हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त होटल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे सती माता मंदिर आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक सती माता मंदिर, जिससे आज हरियाणा न्यूज अपनी हरियाणा की चुनाव यात्रा को शुरू करने जा रहा है। होटल के इस ऐतिहासिक सती माता मंदिर के ठीक हम सामने हैं, माता का आशीर्वाद लेकर बाहर आए हैं और यही कामना करते हैं कि हमारे प्रदेश में ये भाईचारा यूं ही कायम रहे, हमारे प्रदेश की तरक्की, उन्नति और प्रोग्रेस की कामना लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा न्यूज़ पर हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा का। इस पूरे चुनाव हरियाणा का के हर रंग को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। होटल से हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा का आज आगाज होने जा रहा है। पलवल जिले की 3 विधानसभाओं में शुमार होडल हलके का राजनीतिक इतिहास बहुत रोचक रहा है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली इस विधानसभा को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। होडल विधानसभा में कुल 1,78,516 मतदाता हैं। तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक है। इसके बाद ब्राह्मण, गुर्जर, वैश्य और पंजाबी मतदाता हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के समीकरणों पर नजर डालें तो साल 2019 में जगदीश नायर ने जेजेपी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस के उदय भान को मात दी। इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उदय भान ने जगदीश नायर को हराया था। इससे पहले 2009 के विधानसभा चुनाव में जगदीश नायर ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा और 2,621 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। चोरी हो या फिर हत्या, होडल विधानसभा की जनता आपराधिक वारदातों के बढ़ते ग्राफ से परेशान रही। खस्ता हाल सड़कें हो या फिर बरसात के दिनों में होता जलभराव, सड़क हादसों को दावत दे रही है। दूसरी तरफ होडल की जनता प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई से भी परेशान है। फैमिली आईडी हो या फिर किसी सरकारी योजना से जुड़ा कोई और कागजी काम, जनता उम्मीद की किरण के साथ सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटती रहती है, लेकिन लंबे समय तक चप्पल घिसने के बाद भी समाधान हो जाए तो बड़ी बात है। जोहड़ों से सीवरेज के पानी का ओवरफ्लो भी जनता के लिए बड़ी परेशानी का मुद्दा है। सरकारी स्कूल की जर्जर इमारतों में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो कई कक्षाओं में गुरुजी की कुर्सियां खाली हैं। पेयजल की पाइपलाइनों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बाजार हो या फिर शहर की आम गलियां, अतिक्रमण के कारण नागरिकों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में होडल की जनता का मूड क्या होगा, क्या पुराने समीकरणों पर होडल के मतदाता खरे उतरेंगे या फिर एक नए अंदाज में वोटिंग करते हुए जातिगत आंकड़ों को धराशायी कर देंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा न्यूज की इस चुनाव यात्रा की और ग्राउंड जीरो से सीधे आपको दिखाते हैं लोगों से जुड़े मुद्दे, उनसे जुड़ी परेशानियां और उनकी बात चुनाव को लेकर। हरियाणा न्यूज की ये खास कवरेज सबसे पहले आपके लिए है, ताकि चुनावों का बिगुल बजने से पहले, चुनावों का ऐलान होने से पहले ग्राउंड जीरो से आपको तमाम बारीकियां समझने को मिले, जानने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधा, विधायक साहब इंतजार कर रहे हैं, पूछते हैं उनसे कि आखिर रिपोर्ट कार्ड क्या है उनका, क्या काम किया है और तमाम काम के बूते क्या फिर से चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ विधायक साहब जगदीश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत जगदीश जी आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। क्या लगता है, उम्मीद इस बार बीजेपी के लिए तीसरी बार क्या मुमकिन है? जिस जगह पे खड़े हैं ये माता सती सरोवर है, यहाँ से जो आगाज होता है वो फतेह होता है और बीजेपी का तो पता ही फतेह दिख रहा है चारों तरफ। आज जो देश और प्रदेश की राजनीति कह रही है, देश में तो विजयश्री लिया बीजेपी ने और प्रदेश में भी विजयश्री लेगी बीजेपी, लेगी। क्या लगता है क्यों, आखिर क्या किया आपने ऐसा कि 5 साल बाद जब रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बारी है तो आपको फिर से पास कर देगी होटल की जनता? ये खंडर हुए पड़े थे, आप इसको देख रहे हैं, इस भवन को, ये साक्षात उदाहरण है विकास का। सती माता का भवन हमने 6 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया, विकास किया, होडल के गंदे पानी की निकासी की, होडल में अभी 35 करोड़ रुपया अभी विकास के लिए हमने डाला, सड़कें वहाँ की बनाई, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा सड़कों पर खर्च किया। जो सड़क 11 फुट की थी वो सड़क हमने 18 फुट की बना के दी। होडल का अस्पताल देखी है, हसनपुर का अस्पताल बनने जा रहा है, होटल के अस्पताल में देख तो लें, लेकिन उससे पहले लोग कहते हैं कि दवाइयां तो मिलती नहीं है वहां पर, और ये अमूमन हर सरकारी अस्पताल का हाल है।
वहाँ का मैडम अस्पताल आज हरियाणा में नहीं शायद हिंदुस्तान में टॉप अस्पतालों में उसकी गिनती आई है, उसे अवार्ड मिला है। इतनी स्वच्छता, अच्छी बिल्डिंग, सफाई कर्मचारी, सारा सिस्टम वहाँ का। और कौन कहता दवाई नहीं मिलती, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई आदमी हमसे शिकायत करे दवाई हम वहाँ उपलब्ध कराएंगे। हरियाणा सरकार जो जरूरत की दवाइयाँ वो दे रही है, कुछ दवाइयाँ तो दिल्ली में भी नहीं मिलती हैं तो यहाँ मिलती हैं। हाँ, यहाँ मिलती हैं। हमारे सभी जो यहाँ डॉक्टर्स भी रहते हैं, कोई एक आध डॉक्टर की कमी है वो देंगे डॉक्टर को। होटल का कॉलेज जाके देखिए, हमने बनाया 13 करोड़ रुपए की लागत से। आपका अस्पताल देखिए, वो हमने 14-15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। हसनपुर का अस्पताल देखिए, 210 करोड़ रुपए की लागत से हसनपुर में यमुना नदी का पुल बन रहा है, वो जाकर देखिए। विकास बता रहा हूँ मैं आपको, 100 करोड़ खर्च कर पुल बन रहा है। लोग कह रहे हैं कब बनेगा, समस्या का समाधान तो करें, उसमें ओवरब्रिज है ही नहीं तो लोग कैसे क्रॉस करें। लोगों का जमीनी विवाद आ गया, उसको सुलझा रहे हैं हम लोग। कितना समय लगेगा, चुनाव से पहले हो जाएगा क्या? चुनाव से पहले वो शायद सुलझ जाएगा, मुझे उम्मीद है। मैं भी ग्रामीणों से कोशिश रहेगी कि सुलझा लें ताकि चुनावों में फायदा हो जाए। मैं उसे सुलझाने में लगा हुआ हूँ। वहाँ के लोगों ने मेरे से हम यस किया है कि हम जमीन दे देंगे। जमीन के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है और जमीन मिल जाएगी। पहली सरकार ने तो जबरदस्ती जो है ना जमीन अधिग्रहण कर लिया करती थी, लेकिन आज की हमारी सरकार किसान से बात करके जमीन लेती है। दूसरा विकास की आपने कही कि एकमात्र ये विकास पर ये सोल्यूशन होगा, जब लोगों की आपसी सहमति बनेगी, जमीन का सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होगा, उसके बाद ही तो ओवरब्रिज बन पाएगा ना। जी जी, बन रहा है। आरोप है स्कूलों में टीचर्स नहीं है। स्कूलों में टीचर्स नहीं थे, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमने भर्ती की है, 1 लाख टीचर नौकरियां अभी देने जा रही है सरकार, उनमें टीचरों की भी भर्ती होने जा रही है। टीचरों की कमी थी, टेस्ट ले लिए गए हैं, रिटर्न ले लिए गए। अब टीचरों की जब भर्ती हो जाएगी सभी स्कूलों में टीचर भेज देंगे। गाँव में बहुत बड़ी समस्या है, जोहड़ जो होते हैं वहाँ की हालत इतनी ज्यादा बेकार है, इतनी ज्यादा खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका कोई प्लान है क्या, सुना है क्या, देखा है? जोहड़ों को सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने पाउंड अथॉरिटी के तहत बहुत जोहड़ों को खुदवाने का काम किया। मेरे क्षेत्र में अच्छी जोहड़ है, आप जाके देखिए। औरंगाबाद का जोहड़ आप देखिए, जीटी रोड से गुजरोगे बंचारी का जोहड़, ब्रेज गाँवों में लगाया है। पानी बारिश आते ही क्यों पानी भर जाता है जगह जगह? ये तो विकास हुआ नहीं, कांग्रेस के टाइम में कुछ हुआ ही नहीं। आपके जो विरोधी हैं, जो सबसे ज्यादा मजबूत एकमात्र कांग्रेस पार्टी के नेता, अगर हम बात करें होडल से, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी टक्कर इस बार वो आपको देंगे? हमेशा मेरी और उनकी टक्कर रही है, वही ना। तो इसी बड़ी टक्कर नहीं मानता, मैंने पिछले चुनाव में उन्हें हराया है, उससे पहले हराया है, उससे पहले हराया था। जब भी हारे भी हैं, कभी जीते भी हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ, मैं हारा भी हूँ उनसे, लेकिन अधिकतर मैंने उन्हें हराया चुनाव में। और मैं इसे कोई बड़ी टक्कर नहीं मान रहा। मेरा मुकाबला उनसे होता है जब मुझे आनंद आता है चुनाव लड़ने में, किसी और के साथ होता मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरा भी चाहते हैं कि चुनाव लड़े, टक्कर हो तो उदय भान से ही होनी चाहिए। मैं मजबूत कैंडिडेट के रूप में टक्कर देने वाला व्यक्ति हूँ, कमजोर चुनाव में लड़ता नहीं, उदयवान की टक्कर का व्यक्ति हूँ। अगर चुनाव उदयवान से होता है तो मुझे चुनाव लड़ने में आनंद आता है, छोटे कैंडिडेट के साथ मुझे कोई आनंद नहीं। क्या लगता है कि क्राइम को लेके जो लोग सवाल उठाते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको रोकने में कितने कामयाब हो पाए? हमारी सरकार ने अभी निर्णय लिया है, रोज सरकार धरपकड़ कर रही है, क्रिमिनल के बारे में सरकार जो है कानून बना के ला रही है, क्रिमिनल को मार रही है। नायब सैनी साहब ने जो एक्शन लिया है क्राइम के प्रति, एक नया एक्शन है और इस एक्शन को लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत ही पार्टियों में रह कर आए हैं, घूम कर आए हैं, तो बीजेपी अब फाइनल डेस्टिनेशन है? मेरा मैं विचारधारा का आदमी हूँ, बीजेपी की लंबी विचारधारा है, बीजेपी न्याय पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए मेरा फाइनल बीजेपी के साथ। और मैं अब बीजेपी हूँ और मैं सिवा बीजेपी के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अभी बाद में ऐसा तो नहीं कि लगे कि ना, कुछ ना, अलग पर बदलाव है। मैं ये मंदिर पे कह रहा हूँ ये बात, कभी आप फिर मिलेंगे हम और आप। ऐसा कोई बदलाव नहीं, बीजेपी की विचारधारा देश के प्रति न्यायप्रिय विचारधारा है, विकास की विचारधारा है। जो काम कभी सदियों से नहीं हुए थे वो बीजेपी सरकार ने किए, बनवाया। सत्तर राम मंदिर, इसी के सहारे क्या होडल की सीट निकालने का प्लान है? होडल की सीट हमने पहले भी निकाली थी, धारा 370 नहीं हटी थी उससे पहले, हमने सीट निकाल के दी है, उससे पहले भी सीट निकली थी। लेकिन धारा 370 और राम मंदिर से और पक्का हो गया, और पुख्ता हो गया, और पुख्ता हो गया। हम ब्रजवासी लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को पूजने वाले लोग हैं, हमें अच्छा लगा है, हमारी जनता को अच्छा लगा है। उदयभान जी हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस मांगे हिसाब, हिसाब आप देंगे? मैं हिसाब दे रहा हूँ। उदयभान जी आइए देखिए, 6 करोड़ का हिसाब तो ये देख लीजिए आपका। हमने 8 करोड़ रुपए के नाले बना के दिए हैं आपके, 40 करोड़ रुपए हमने होटल की सड़कों के लिए, होटल की नालियों के लिए दिया है। आप कॉलेज देखिए जाके, मेडिकल यूनिवर्सिटी लेके हम आए जो पलवल में बनने जा रही है,
हम लड़कियों का कॉलेज लेके हम आए जो वैंडोली में बनने जा रहा है, खेल स्टेडियम लेके बनने जा रहा है। चालू हो गया, क्लासें चालू हो गई। कल कंधे पानी में डूबा रहता था, आज हमने पानी निकासी के लिए 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से तो प्रॉब्लम है ना। बाप ने भले लागत भी हुई, नाले भी बनाए, तमाम चीजें हुई है, लेकिन पानी की समस्या तो अभी भी है ना। गंदा पानी तो अभी तक भी खड़ा होता है, लोगों को समस्या होती है, साफ पानी भी हर जगह पे नहीं पहुँच रहा, तो लोग परेशान है इन चीजों को लेकर। बात से मैं सहमत हूँ बहन जी, शहर बहुत बड़ा है तो वहाँ पर गंदगी को लेकर भी लोगों की समस्याएं हैं। और हमने लोगों से जब बात की तो कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर भी नाराज नजर आए। ये नगर पालिका का टेंडर अभी जो है ना होल्ड हुआ पड़ा है, जो सफाई का टेंडर था, ठेकेदार काम छोड़ के चला गया, टेक्निकल कमी के कारण टेंडर होल्ड हो गया। 5-10 दिन में टेंडर हो जाएगा, फिर सफाई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम नाइट शिफ्टिंग के लिए स्वीपर भी लगाने जा रहे हैं, जिसकी अनुमति हमें सरकार ने दे दी है। पंचायतों का फंड बढ़ा रहे हैं, युवा परेशान है कि रोजगार मिल नहीं रहे हैं, अब आप कह रहे हैं 50,000 नौकरियां दे देंगे। 50,000 नौकरियां दे रहे हैं हम, ये सिर्फ इलेक्शन की जुमलेबाजी नहीं है। नहीं, इलेक्शन की कोई जुमलेबाजी, बड़ा मुद्दा रोजगार तो है ही, लोकसभा चुनावों में भी रहा है और अभी विधानसभा चुनावों में भी तमाम युवा परेशान है, सारे देश में समस्या। मैं मानता हूँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ रोजगार नहीं बढ़ा, लेकिन अब सरकारें रोजगार बढ़ाने के प्रयास लगा रही है, प्रयास कर रही है। आपने किया होटल के युवाओं के लिए कि उनको रोजगार मिले और साफ तौर पे कुछ भला हो पाए उनका? क्षेत्र में 2-3 फैक्ट्री आई है जिनमें हजारों युवा जो है ना काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने स्टैंड अप की नीति पर काम किया है कि भाई स्वयं रोजगार खोजें, उसके लिए लोन भी दे रहे हैं हम लोग। महिलाएं अपना सामूहिक ग्रुप बना के काम कर रही हैं, उनको लोन दे रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर भी समस्या है, आप देखिए भले ही आपने एलिवेटेड फ्लाईओवर का जिक्र कर रहे हैं, पलवल से आप 5 मिनट में होटल पहुंच जाएंगे, लेकिन आप शहर के भीतर ही बहुत समस्या है जाम की भी, और उसको कैसे दूर कर पाएंगे, उसके लिए आपने क्या किया है, क्या कोई प्लान? उसके लिए समय चाहिए, लेकिन यहाँ पे खड़े होके जब देखते हैं तो लगता होगा कि वाह, एक तो कम से कम काम ऐसा हो गया कि एक नहीं, मैं हजारों काम गिना दूंगा। शाम के टाइम देखना लाइटिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे जयपुर में घूम रहे हो। अच्छा, ये पिंक सिटी जैसा लगता है शाम के टाइम जब लाइटिंग होती है इस पर। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे आपने लोगों के लिए खास तौर पे यहाँ पे बनवाया? जी जी जी। तो चुनावों को लेकर निश्चिंत हैं, आश्वस्त? चुनावों से, हम चुनावी मैदान के लोग हैं, एक दिन में चुनाव नहीं लड़ा जाता, हम 5 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। नहीं सुन रहे के चुनावों में इस बार बीजेपी की हवा थोड़ी टाइट है? ये जो है ना चुनाव के टाइम पर आप लोग भी कहते हैं, जो भी सरकार होती है उसके लिए ऐसा कहा जाता है। केंद्र में भी कह रहे थे भाई टाइट है, केंद्र में सरकार बनाई, हरियाणा में कह रहे हैं हरियाणा में सरकार। हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो आप सारे चैनलों ने दिखाया कि आपको बम्पर जीत मिल रही है, हमने हालांकि दिखाया, हरियाणा न्यूज ने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कड़ी फाइट दिखाई, ग्राउंड जीरो पर मैं खुद गई और हर जगह पर जाकर हर लोकसभा का हाल अपने दर्शकों तक भी पहुंचाया, वोटर्स तक भी पहुंचाया, और हमने साफ साफ कहा कि फाइट 50-50 की है और नतीजा वही रहा। जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो काम बीजेपी 10 साल में कर चुकी है। तो आश्वस्त है तीसरी बार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। उदय भान जी इसको कुछ कहना चाहेंगे? उदय भान जी जात पात की राजनीति करते हैं। आपसे ज्यादा करते हैं क्या? नहीं, मैं जात पात की राजनीति नहीं। बीजेपी आपसे, मेरे कहने का मतलब बीजेपी पूरी पार्टी आपकी, वो मेरा मैं उनको निजी आरोप लगा रहा हूँ ये। अच्छा, वो यहाँ जात पात की राजनीति करके हरिजन एक्ट लगा के हरिजन भाई उनको बढ़ाते रहते हैं, छोटी मोटी राजनीति करके काम नहीं चलता। डर नहीं आपको उदय भान जी सामने टक्कर में आते हैं? अभी नहीं डरा, उदय भान से टक्कर लेता हूँ मैं, उदय भान से टक्कर ली है लूंगा। नहीं तो इस बार तो माहौल कह रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है, हम 70 सीटें जीतने वाले हैं और चुनाव में ऐसा होने वाला है। जो कह रहा होगा वो कह रहा होगा, होडल बीजेपी की सीट है, बीजेपी की रहेगी, होडल से बीजेपी जीती है, बीजेपी जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, देखते हैं कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। हालांकि ग्राउंड जीरो पर हम लगातार हरियाणा न्यूज की इस चुनाव यात्रा के जरिए पहुंच रहे हैं, अब मिलवा रहे हैं आपको तमाम विधायकों से, आपके हल्के के विधायक से, तमाम सवालों के जवाब वो दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे कितना काम किया, साथ ही साथ लोगों को किस तरीके से परेशानियां हो रही हैं, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या उनके सवाल हैं, उन सवालों के जवाब क्या हैं, ये भी हम लगातार इस चुनाव यात्रा के जरिए दिखाने की, समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कुछ लोगों से बात, देखते हैं कि क्या कुछ है उनका फीडबैक होडल विधानसभा क्षेत्र को लेकर। चुनाव यात्रा जारी
जारी है और हरियाणा न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है बंचारी गांव। जी हां, ये वही बंचारी गांव है जहां के नगाड़ों की गूंज सिर्फ सूरजकुंड मेले में ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग बड़े कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनने को मिलती है, गूंजती है। बंचारी की धुन पर नाचने वाले तमाम हरियाणा के लोग इस बार विधानसभा चुनावों में क्या सोच रहे हैं, पंचारी गांव के लोगों के दिल में क्या है और इन लोगों ने आखिर राजनीतिक तौर पर किस तरीके से तमाम प्रदेश के नेताओं को समझा है और उसके आधार पर अपने विधायक को किस तरीके से समझते हैं, कितनी उम्मीदें करते हैं और कितनी उम्मीदों पर खरे उतर पाए विधायक जगदीश नायर, पूछते हैं बंचारी के लोगों से। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ लगता है इनको। नमस्कार, हरियाणा न्यूज चैनल से हैं, हरियाणा न्यूज न्यूज से पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया बात। और ग्राउंड जीरो पर हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार आप क्या समझ रहे हैं, होडल से कौन जीतेगा, किसको विधायक बनाएंगे? देखो जी, हमारे यहाँ तो अब क्या भी काय को नाम ही ना है, एक दहवान का नाम तो है, वो अध्यक्ष भी है और ईमानदार नेता है, कोई ऐसी बात ही ना है। विधायक जगदीश नायर, बढ़िया काम किया? नहीं किया जी, नहीं किया जी। क्यों? क्यों हमारे से यहाँ विधायक जी हैं, उदयवान जी पहले रह चुके हैं और वो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और उनके बच्चा हैं देवेश जी, वो एमएलए की सीट पे खड़े हुए हैं और हमारे देवेश जी का मतलब पूरे मतलब हल्का में पूरा जोर शोर है जी। और अभी हमारा ना वो कहा नाम है उदयवान जी, जिले के मतलब जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं जी, उनका पूरा जोर शोर। कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस आएगी। जगदीश नायर करना मतलब ही ना, जगदीश नायर को मतलब ही ना, कांग्रेस आएगी जी। हाँ जी, जगदीश नायर का कोई मतलब ही नहीं, कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, पहले इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, जगदीश नायर, उदय भान या कोई और? देखो जी, आएगी तो भाजपा सरकार ही, भाजपा आएगी तीसरी बार, पक्का विश्वास है आपको? विश्वास, अच्छे काम कर रही है। क्या काम आपको सबसे अच्छे लगते हैं और आपको लगता है उनके बूते फिर से सरकार बना पाएंगे? देखो, एक तो जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, एक जो भी पीएल कार्ड बनवाए हैं, एक प्लॉट अभी प्लॉट चालू करवा रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, और अपना ना कोई पैसा की दिक्कत है, जो बच्चा पढ़ता है वो नौकरी लगता है, किसी को परेशानी नहीं है। गाँव में चीजें लोग समझते हैं, गाँव में हमारे गाँव में सरपंच नया बना है, अभी तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए काम करवा दिया, अभी कहीं चौपड़ बनवा दिए, कहीं स्कूल बनवा दिए, कहीं धर्मशाला बनवा दिए, एक यहाँ बहुत तगड़ी वाटिका बनवाई है रोड है ऊपर ही, अच्छे काम कर रहे हैं। जो वो लोग थे ना पहले, वो चोर लोग थे, वो इस सरकार से चल रहे हैं। चोर ये कौन है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जो वैसे लोग थे वो इस सरकार से खुश नहीं है, ये सरकार अच्छा काम कर रही है, किसी को कोई भेदभाव नहीं, सबका काम विकास हो रहा है, समय पर हो रहा है, ये कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक है, ठीक है सर, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, अब कौन आएगा ये तो चुनावों के बाद मालूम होगा, लेकिन आगे चलेंगे। कुछ और लोग भी हैं, कुछ युवा नजर आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं होडल के? देखो जी, मुद्दे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं। एक तो हमारे यहाँ पुलिया बननी ही ना बनी, 10 साल है गई बीजेपी सरकार है, और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है, उदयवान तो हर घर नल, हर घर जल, घर घर बिजली, 24 घंटे बिजली। अभी जाके देख लियो कुंडीन में पानी, देख लियो काम में, जाओ सर्वे कर लियो, खाली पड़े 5-5, 6-6 दिन में नल आम है, आधा घंटा का नहीं हुआ। कुछ और लोग भी जा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है मजबूत कौन है, कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी या कोई और? बीजेपी है। बीजेपी है, बढ़िया काम किए, बीजेपी बढ़िया है, बढ़िया। घरों में नौकरियां लगी है पारदर्शी तरीके? आप नौकरी तो ना लगी, हम तो बेरोजगार है, हम तो नौकरी तो मिला ही ना, लेकिन काम बढ़िया किए बीजेपी। काम बढ़िया चल रहा है, अपनी मिस्त्री आदमी। क्या पसंद है बीजेपी के काम, कौन से बढ़िया लगता है? भाई, एक जंगल खाड़िया सब रहा, यहाँ कम से कम नाले में तो हमारे जोड़े में पानी दिख रहा है, सच्चाई वो खारा पानी है पैदा होना है, वह नाले में तो यहाँ नाली गिर जाए तो पैदा तो हो कम से कम, या काम मत करवाओ, पैदा जब पैदा होगी तो हमें फायदा देगा। चलिए, साफ तौर पे कह रहे हैं बीजेपी ने बढ़िया काम किए, हालांकि जो परेशानियां थी उसको दूर करने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कामों की बात की जाए तो अच्छे काम बीजेपी की सरकार ने किए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने किए हैं और उससे ये संतुष्ट हैं। आगे चलते हैं ग्राउंड जीरो में, और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पे लोग आखिर होडल के क्या कुछ कह रहे हैं। गाँव में कुछ लोगों से हमने बात की और उनकी बात आपको सुनाई। अब मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बंचारी के
जोहड़ की हैं, जिसके हालात क्या हैं ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही है। हर तरफ गंदगी ही गंदगी आपको देखने को मिलेगी, गंदगी का बंपर अंबार हर तरफ देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पे यहाँ पर भी हम देखें तो अतिक्रमण कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके से यहाँ पर इस गंदे जोहड़ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी गाँव वाला अपने पशुओं को लेकर आना नहीं चाहेगा। और ये क्या हाल यहाँ पर हो रहे हैं ये तस्वीरें बयां कर रही है। भले ही विधायक साहब ये कह रहे हो कि मैंने बहुत से काम करवा दिए और जोहड़ को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं, तमाम जोहड़ के रखरखाव को लेकर, खुदाई से लेकर और तमाम ऐसे काम हुए जो अब तक हुए नहीं थे, लेकिन विधायक जी जगदीश नायर साहब ये तस्वीरें देखिए और बताइए हमें कि क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं, और अगर नहीं तो आपने यहाँ पर काम क्यों नहीं किया है। चलिए, होटल में लगातार ग्राउंड जीरो की कवरेज हमारी जारी है। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा तमाम तस्वीरों के जरिए आपको हकीकत से रूबरू करवा रही है। आगे बढ़ते हैं होटल के सफ़र में और दिखाते हैं कुछ और दिलचस्प तस्वीरें। तो ये चुनाव यात्रा है हरियाणा न्यूज़ की, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सच्ची तस्वीरें। ये तस्वीरें देख कर वाकई में कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कुछ नेताओं को दर्द होगा, लेकिन ये दर्द उनको होना लाजमी है, क्योंकि इन तस्वीरों की वजह से, इन हालातों की वजह से आमजन हर रोज़ पिसते हैं, हर रोज़ ना जाने कितनी सैकड़ों बीमारियों को अपने घर लेकर जाते हैं और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। विधायक साहब के तमाम दावों के बावजूद आप देखिए होडल के बीचों बीच ये एक ऐसी ज़मीन श्यामलात की ज़मीन बताई जा रही है, जिसका दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। हर तरफ गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई डंपिंग जोन हो जहाँ पर पूरे होटल का कचरा लाकर फेंक दिया जाता हो, डंप कर दिया जाता हो। और मेन रोड ही है ये, आप देखिए इस रोड की भी हम अगर बात करें तो इस रोड में भी हर जगह आपको गंदगी देखने को मिलेगी। बीजेपी के विकास के तमाम दावे और उन तमाम दावों के बीच अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो कितनी परेशानी हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, कब से ऐसे हाल है यहाँ पे? कई साल थे जी, 5-4 साल से। कोई सफाई वगैरह नहीं हो रही है? कुछ नहीं जी। कौन से न्यूज़ से हो? किसने भेजे के? हरियाणा न्यूज़ से। तो आप इस बात को उठा दो, आपने आवाज कितनी जगह उठाई, ऐसी बात कितना काम कराया, पानी भर जाता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी, व्यास है पंडित जी महाराज स्कूल चलाते हैं MVN, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब किसी की प्रॉपर्टी का कोई सरकारी एजेंसी तो उसमें सफाई नहीं कर सकती। ये व्यास जी हैं, स्कूल चलाते हैं, बगल में ये रहा स्कूल। तो व्यास जी स्कूल चलाते हैं तो उनके स्कूल को चलाने के लिए आप बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगा सकते हैं ना? नहीं, वो अलग से छोड़ रखा ना उन्होंने, अब इसमें कूड़े दान देते हैं, वो उसका तो पर्सनल, कोई अपनी पर्सनल जमीन में कितना भी कूड़ा करकट कर दे चाहे पूरे शहर को उससे दिक्कत हो, तकलीफ हो। बदबू आती है जी, बहुत बुरी, लोगों का जीवन मतलब दुर्लभ हो जाता है। मॉनसून है, बारिश आ जाए तो क्या क्या पूरा बढ़ जाएगा। चुनाव है अभी, कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस ही बनेगी अभी, आता आगे कांग्रेस बनेगी बिल्कुल। क्यों? विधायक साहब ने बढ़िया काम नहीं करवाए? कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, अपने घर ने बना रहे हैं विधायक साहब, और क्या कर रहे हैं? क्या लगता है उदयभान से उम्मीद है? उदयभान से कुछ उम्मीद है? हाँ जी उम्मीद है, उम्मीद है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? हमको लगता है हम तो बिहार के हैं जी, यहाँ पीछे बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस ही आएगी सरकार हरियाणा में, कांग्रेस ही काम करके दिखाएगी, बीजेपी पे कुछ काम नहीं होगा। तो ये जगदीश साहब ने बढ़िया काम नहीं? नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं किया। तो क्या लगता है उदयभान क्या कर देंगे? उदयभान बढ़िया आदमी है, नंबर एक आदमी, बढ़िया काम करते हैं। तो इस बार चुनाव में परेशानी है? परेशानी है, उदयभान पार है हमारे यहाँ से। अगर बीजेपी को मौका देना चाहें तो क्या शर्तें होंगी, क्या काम होने चाहिए? खूब मौका दे लिया, कोई मौका नहीं है उसके लिए, कोई मौका नहीं। आपको क्या लगता है सर? मैं क्या लगता है जी, अब उम्मीद तो कांग्रेस की है, अब ये काम ही ना करें, गंदगी दुनिया भर की, कोई लेकर नहीं। तो कह रहे हैं कि काम कोई हो नहीं रहा है और इस बार उम्मीदें कुछ खास इनको है नहीं बीजेपी की गवर्नमेंट से। लोगों को साफ तौर पे नुकसान है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पशु भी हैं, सूअर भी दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, सांड गायें हर तरफ आपको नजर आ रही है और यही कचरा ये खा रही हैं। गौ माता की रक्षा के लिए तमाम अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, लेकिन ये तस्वीरें क्या दिखती नहीं है? और विधायक के पास अगर ये शिकायत
पहुंची है, तो इस पर कितना काम किया है ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये जनाब खड़े हैं, अब पहुंचे यहाँ पर जब तमाम लोग इसको लेकर, इस अव्यवस्था को लेकर, इस जगह की वजह से नरकीय जीवन जीने को जो मजबूर हैं, उसकी शिकायत कर रहे थे, हमें कहानी बता रहे थे, तो ये आ गए हैं। ये क्या आपकी जगह है? जी हमारी है। ऐसा हाल देख के शर्म नहीं आती? क्या करें जी, नगर पालिका का कूड़ा है, नगर पालिका की कई बार शिकायत सीएम विंडो पर लगाई है, सीएम पोर्टल पर लगाई है। ये जगह है, जो ये वाली नाली है पीडब्ल्यूडी के, उधर वाली जो नाली है वो नगर पालिका की है। दोनों की शिकायत हर बार लगा चुके हैं, पर आते हैं इसका वो करके देख कर झूठी वो लिख देते हैं कि हाँ जी हमने समाधान कर दिया। और दिख रहा है ना सबको इसका समाधान, तो वो भी कटे ये आज तक बंद नहीं हुआ नाली का, इसकी वजह से पानी भरा रहता है। कार्रवाई कैसी भी होती नहीं, हर बार उसको क्लोज करा देते। लोग कह रहे हैं आपकी गलती है, आपकी जमीन है, आप देख नहीं रहे हैं। हम क्या करें ये बताओ, इस पे नगर पालिका यहाँ कूड़ा डालेगी हमारी जगह में? सारा का सारा कूड़ा नगर पालिका, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर आके डल जाते हैं, फिर उसको जेसीबी से पीछे कर देते हैं। तो ये अधिकारियों पे डाल रहे हैं, प्रशासन पे डाल रहे हैं, लेकिन इतनी शर्मनाक तस्वीर ये है। और होटल के बिल्कुल बीच सड़क पे आप देखिए, अगर ये देखेंगे तो शर्म से तमाम नेताओं का सर झुक जाना चाहिए, पर नेता हैं उनको शर्म आएगी नहीं, क्योंकि चुनाव में वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आपसे तमाम सवालों के जवाब पूछे जाते हैं, आपसे तमाम कामों के स्टेटस पूछे जाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं हम इसमें बहुत सारे हमने काम कर दिए। लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रहे हैं जगदीश साहब कि काम नहीं हो रहा है। अधिकारी चाहे किसी भी तरह से इस काम में पलीता लगा रहे हों या फिर अपनी जवाबदेही से बच रहे हों, लेकिन ये आपका काम है, आप प्रतिनिधित्व करते हैं होटल की जनता का। अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो आपको उससे निजात दिलानी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और करते हैं सफर में और लोगों से बात। होटल की अगर खास तौर पे बात कर ली जाए तो दो दिग्गज नेता जिनमें अमूमन कंपटीशन देखने को मिलता है, एक तो भारतीय जनता पार्टी से जो सिटिंग विधायक है जगदीश नायर, और दूसरे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भांजी, जिनसे अब हम सीधे बात करने वाले हैं। और हमारी चुनाव यात्रा में उदय भांजी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उदय भांजी, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा में बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुँचे हैं, होटल से ही शुरुआत हम कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में जाएंगे 90 के 90 हलकों में और हर जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। आपको क्या लगता है, प्रदेश की राजनीति की बात तो बाद में करूं, लेकिन अगर सबसे पहले होटल की मैं आपसे बात करूं, पिछले 5 साल में जो काम हुआ आपको लगता है कि होटल के विकास के लिए काफ़ी है? नहीं, काम ही नहीं हुआ तो उसका विकास के लिए क्या बताएं। हाँ। यहाँ तो जुमले छोड़े गए, झूठ बोला गया। मुख्यमंत्री खट्टर जी आए थे 9 सितंबर और 2016 में, 2016 में आए थे, 8 साल हो गए। तब उन्होंने घोषणा की थी कि हसनपुर में जमुना पुल, आज तक रिजल्ट 0। कह रहे हैं कि विवाद है दो गुटों में, वो सॉर्ट हो जाएगा तो उसके बाद उस पर तुरंत काम कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 8 साल में सॉर्ट नहीं कर पाए तो काहे के लिए राजनीति में बैठे हुए हैं 8 साल तक। हमारा राज आएगा, हम करेंगे उसे। फिर उन्होंने घोषणा की थी होटल के अंदर बस अड्डा हम हाईवे पर बनाएंगे, जहाँ बस अड्डा है जो पूरी तरह से जर्जर हालत में है, सब डिपो था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, वहाँ पर हम अग्रसेन पार्क बनाएंगे। ना अग्रसेन पार्क बना, ना बस अड्डा बना। पुलिस स्टेशन को बाहर लाने की बात थी, ना वो हुआ। जो हमने किया, जो मैंने किया, चाहे वो होटल का गवर्नमेंट कॉलेज है, होटल में मिनी सेक्रेट है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, मैंने बनवाया, होटल में हॉस्पिटल है, मैंने बनवाया, होटल की तीनों अनाज मंडी, होटल का सीवरेज व्यवस्था भी मैंने करवाई थी, पानी हम बासवा से लेकर के आए थे, लेकिन आज हालत ये है कि कोई देखने वाला नहीं है उसको। नायर जीत को लेके अपने इतने आश्वस्त क्यों हैं? कह रहे हैं मुझे चुनाव लड़ने में मजा तो बहुत आएगा, सामने उदय भांजी आएंगे, लेकिन उदय भांजी को बता दूं कि जीतेंगे नहीं वो किसी भी सूरत में। समय बताएगा। मैंने तो उसको इंडिपेंडेंट भी हराया, मोर देन 50% वोट लेकर के इंडिपेंडेंट जब मैंने हराया उसको। ये हर बार जुमलेबाजी और वो तो चलता नहीं, कभी सिर पे जूती रख ली कि दादा मैंने झुट्टन खाई है, कप और ग्लास रख लिए जेब में, वो तो अब समय गया। लोग अब इतने बहकावे में तो आते नहीं, अब तो काम देखेंगे लोग। तो
मतलब अभी देखेंगे कि किस तरह से लूट मचा रखी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो बीजेपी तो ये आपके लिए इस्तेमाल कर रही है, कह रही है काट की हांडी अब चढ़ेगी नहीं। लोकसभा में ठीक है, लोग बहक गए, इन्होंने झूठ बोला, झूठी बातों में आ गए और थोड़ा सा हमारा वोट बैंक खिसक गया। उधर लोकसभा में हमारा 19.5% वोट बढ़ा है, 90 के 90 विधानसभा में बढ़ा है, इनका 11.5% घटा है। जहाँ ये 79 विधानसभा में लीड थी, ये अब 44 पर अटक गए। हमारी 10 में लीड थी, हम 46 पर पहुँच गए। तो ये आपकी कुरुक्षेत्र वाले गिन नहीं रहे। 47.6% वोट शेयर पूरे कंट्री में सर्वाधिक अगर है इंडिया गठबंधन का तो हरियाणा के अंदर। 0 से 5 सीट हमने हासिल की हैं। हमारी कुरुक्षेत्र की, महेंद्रगढ़ भिवानी की, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम सीट वो हमसे लूज हुई है। इनका जो धनबल, सरकारी मशीनरी, पैसे का बहुत ज़्यादा, जो जिस तरह से इन्होंने, उसके बावजूद इनका ये हाल है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ पर कांग्रेस ने गेन ना किया हो। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने गेन किया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं आप लोग हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस मांगे हिसाब, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अमित शाह पहुंचे, साफ तौर पे कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब देना अपने 10 साल के कार्यकाल का, मैं हिसाब लेकर आया हूं, और तमाम हिसाब मांग रहे हैं आपसे, अलग अलग आरोप लगा कर गए। ये अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का सबसे विफल गृह मंत्री, जिसने सवाए नफरत के जब भी मुंह खुला है तो नफरत के लिए खुला है, लोगों में डिवीजन करने के लिए किया है, काम कुछ किया नहीं। माननीय गृह मंत्री जी को ये भी होश नहीं है कि वो अपने बयान में कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 259 लाख करोड़ रुपए हमने हरियाणा को 10 साल में दिया। 259 लाख करोड़ कितने डिजिट बनती है, 259 लाख बनाओ फिर आगे करोड़ लगाओ, 7 बिंदी और। इतना तो सारे हिंदुस्तान पे कर्जा नहीं है, सारे हिंदुस्तान पे 224 लाख का कर्जा है, ये 259 लाख का। ये गृह मंत्री एक जिम्मेदार पद पे बैठा है और जो कह रहा है, अरे भाई कांग्रेस का हिसाब तो जनता ने ले लिया, तुम सत्ता में बैठा दिए, तुम बताओ क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग सब जानते हैं। तो अभी तो कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग प्लॉट दे रहे हैं, सरपंचों को बुला रहे हैं, पंचायतों का फंड बढ़ा रहे हैं, 50,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नहीं, अब एक एक करके मैं जवाब दूंगा। अब पहले तो प्लॉटों की जो आप बात कर रहे हैं, आप बताएं ये इनकी कोई स्कीम है, एक प्लॉट भी किस गाँव में, कहाँ पे इन्होंने प्लॉट दिया है? जो हुड्डा साहब के समय जो प्लॉट पाइपलाइन में थे, जिनके पजेशन इन्होंने रोक दिए थे, उनको देने की बात कर रहे हैं आप। 1966 में हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966, 2014 तक 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया, 6 गुने से ज़्यादा कर्जा बढ़ गया। वो बताएं क्या काम किया है जिसके लिए कर्जा लिया था? और अब कौशल विकास रोजगार निगम, ये धोखा देने के लिए सरकार खुद ठेकेदार बन गई। कोई भी, इन्होंने कोई मेरिट अख्तियार किया, कोई रिजर्वेशन है उसमें, उसमें क्या कोई पे स्केल दिया गया कर्मचारियों को कहीं, जहां पे स्केल, जहां उसकी तनख्वाह बैठती है 50,000 रुपये, उसको 20,000 देकर के कर ले रहे हैं? आपको लगता है कि तमाम जो खामियां हैं इसका सीधा सीधा फायदा इस बार कांग्रेस पार्टी को चुनावों में होने जा रहा है? निश्चित तौर से मिलेगा, और इनको बेनकाब करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो है लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है हरियाणा में? कोई शहर ऐसा बच रहा है जिसमें से फरौती नहीं मांगी जा रही? आज इनकाउंटर कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। व्यापारी पूरी तरह से भयभीत है, इनके बस का कहा है, इन्होंने तो चूड़ी पहन रखी है। जो इनकाउंटर भी जो किया है वो दिल्ली की पुलिस ने किया है, ये तो वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए गए थे। अब सारे प्रदेशों के बदमाश सारे हरियाणा में इकट्ठे हो गए, सारे आज हरियाणा में, यहाँ से जेल से अलग चल रहे हैं, बाहर विदेशों से अलग चल रहे हैं, पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है उसका बंटा धार करके रखे। अक्टूबर में तो आप अपनी सरकार बनाने के लिए निश्चिंत है कि कांग्रेस पार्टी जी? 100% जनता का है, जनता मन बना चुकी है। ये सवाल झूठ बोलने के क्या काम करते हैं? अमित शाह आए, कह रहे हैं कि मैंने एक ओबीसी परिवार के एक पिता के बेटे को, जो कुछ भी नहीं था, सीएम बना दिया, नायब सैनिक को खड़ा करवाया, तालियां बजवाई, और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में तो सिर्फ बापू और बेटा ही है और कुछ नहीं है।
तुम्हारी सरकार में कौन है? वहाँ भी गुरु चेला और यहाँ भी गुरु चेला। संगठन में कह रहे हो हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री भाजपा के अध्यक्ष भी थे अभी चंद दिनों पहले, मोहनलाल बड़ौली से पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, अपने बूथ से हारे, अपने गांव से हारे, अपनी विधानसभा से हारे, अपनी लोकसभा से हारे। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 40,000 से हारे, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला 50,000 से हारे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा बुरी तरह से हारे। जनता ने पन्ना प्रमुख का पन्ना ही फाड़ के इनके हाथ में दे दिया। आपके संगठन ना होने को बार बार ये कहते हैं कि सबसे वीक पॉइंट है, कांग्रेस की खामी है, संगठन तो बिना संगठन हुए भी आप बढ़िया करेंगे? आप देख रहे हैं कि संगठन का क्या है, हमारा कितना जो घर घर कांग्रेस पहुंचा दिया हमने। आप बगैर संगठन के आप ये सोच रहे हो कि भाई 42 XMLA एक्स मिनिस्टर सिटिंग MP सिटिंग MLA तीन तीन इंडिपेंडेंट ने हमें वैसे ही समर्थन दे दिया। यहाँ माहौल है, जनता बना चुकी माहौल। किरण चौधरी क्यों चली गई छोड़ के? किरण चौधरी के पल्ले क्या था? किरण चौधरी अपना आपको बहुत बड़ा नेता कहती थी लेकिन उसको एक्सपोज कर दिया उन्हीं के नेता ने। मनोहर लाल खट्टर जी क्या कह रहे थे उन्होंने तो बता दिया जो जाने का कारण, कि वहाँ तो शरीर ही था, आत्मा तो हमारे पास थी। और किरण चौधरी कह रही थी कि मेरे जो प्रेरणा स्रोत है चौधरी बंसीलाल नहीं है, वो व्यक्ति है जिसने चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराने के लिए दाढ़ी बढ़ाई थी। मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कह दी थी कि जब तक बंसीलाल की सरकार नहीं गिरा लूंगा जब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। उदयवान जी अभी क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि दीपेंद्र एक अलग यात्रा पे निकले हैं, आप और हुड्डा साहब एक अलग यात्रा पे निकलेंगे, क्या लगता है अक्टूबर में होने वाले चुनाव? मैंने वहाँ करनाल से उनकी शुरुआत करवाई, रथ यात्रा पे निकलेंगे हम 90 के 90 हलकों में, मैं भी और हुड्डा साहब भी और सभी जाकर के अलग जगाएंगे। कांग्रेस सरकार बिल्कुल आश्वस्त है, 100% होटल से लड़ेंगे चुनाव, पार्टी टिकट देगी, मांग होटल से चुनाव लड़ूंगा पार्टी टिकट देगी। तो और भी कोई नेता दावेदारी में है क्या? मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप तैयार हैं? जगदीश नायर का जो चैलेंज है ओपनली स्वीकार कर रहे हैं। जगदीश नायर का बेचारे को क्या चैलेंज है, कोई समय था कोई बन गया, कोई कई कारण बने थे, 75 बार आप लोगों ने जितवा दिया। हमने तो नहीं दिखाया, हम तो उदयभान जी आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा न्यूज एक लौता ऐसा चैनल था जिसके ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में हमने ये दिखाया कि कांग्रेस 30 से 35 सीटें लेकर, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया है ना, दिखाया कि 78 से 83 सीटें बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस की 3 से 5। ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं और लगातार ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो सम्मेलन भी किया जिसमें बैकवर्ड के तौर पे जिस तरीके से सरकार ने काम किया, अमित शाह ने बार बार गिनवाए कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं। ओबीसी की अब ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी को 5% आरक्षण देंगे। पहले ओबीसी की जनसंख्या कितनी है हरियाणा में आपको पता होना चाहिए, अहीर, गुजर, मेव और सैनी, ये 4 बिरादरी 20% है। ये 5% आरक्षण देंगे, उससे ज्यादा तो आज इनके आज गिनती कर लो। अभी कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस सरकार आने वाली है आपको, कुछ नहीं होने वाला, ये अपनी चिंता करें। जब हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड और जम्मू कश्मीर जहाँ ड्यू है इसके रिजल्ट आएंगे, आप देखना कि क्या होता है देश की राजनीति में। चलिए शुक्रिया अपना समय देने के लिए हमें, तो साफ तौर पे हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा में उदयभान जी खुलकर बोले और जगदीश नायर साहब को भी ये बता दिया कि भूल जाइए चुनाव जीतने का सपना, छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अब की बार सरकार आने वाली है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि होटल के लोग आखिर क्या चाह रहे हैं। इस वक्त हम हसनपुर चौक पर हैं, हसनपुर चौक इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि होडल विधानसभा का नाम पहले हसनपुर ही था जो बाद में बदलकर होडल में तब्दील हुआ और ये होडल विधानसभा बनी। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारी भीड़ है और बहुत सारी आप रेहड़ियाँ देख रहे हैं, बहुत सारे फल विक्रेता देख रहे हैं,
और पूरा बाजार उसके ठीक पीछे। इस चौक से हम बात करेंगे लोगों से और देखेंगे कि चुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ माहौल उनको नजर आ रहा है और कितनी मजबूती किस कैंडिडेट के लिए वो इस बार चुनाव में देख रहे हैं। चलिए, सर चुनाव है, आपको क्या लगता है बीजेपी ने काम करवाए या फिर उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से? कह नहीं सकते, हमें नहीं पता, इतने राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है। तो काम वाम हुए शहर के? हाँ, यहाँ तो कमी है, इधर तो काम नहीं, इधर कम है, बाकी तो है बाकी जगह पे। अच्छा, मतलब होटल में काम कम हुए हैं, वरना अच्छे काम हुए हर यहाँ। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट हमें है नहीं, लेकिन होटल में कम काम हुए हैं। आप लोकल ही हैं, होटल में कितने काम हुए, बीजेपी की सरकार ने कितने काम करवाए? काम बढ़िया करे हैं बीजेपी। क्या लगता है कि अच्छा काम किया, विधायक को श्रेय देंगे उसका या सीएम को देंगे या पूर्व सीएम को देंगे? बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है, इसको दिखा। क्या अच्छा काम हुआ होटल में? होटल में बढ़िया सड़क वड़क है अपनी, पुल वुल बने। नाम है तो फिर से बीजेपी पे दाव लगा। हाँ, बीजेपी तो कह रहे बीजेपी ने अच्छा काम किया है और चुनाव है तो फिर से बीजेपी में हम दाव लगा सकते हैं। काका क्या लगता है, चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है किसने वाकई में होटल के लिए काम किया? हाँ, होटल के लिए काम तो किया बीजेपी ने। हमारे यहाँ पे कॉलेज देख लो आप, सती माता का तालाब देख लो, नगर पालिका देख लो, हॉस्पिटल पहले जो ही सुअर डोले करे, आज हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अगर आप हसनपुर चले जाओ, जमुना मैया का पुल बन रहा है और वहाँ भी रेस्ट हाउस बने हैं, तहसील बनी है बोड़ौता में, बोड़ौता से खिरवी एक रोड बना है, बहुत दिन हो गई थी उसकी मांग करते करते अब बना है। और जो जमीन 25 लाख रुपया एकड़ थी, आज वहाँ पे 75 लाख रुपया एकड़ की जमीन है। दूसरा रोड जो 12 फुट था वो 18 फुट का बना दिया नया, गौड़ौता खिरवी, एक गौड़ौता से खामी के लिए रोड निकाला है भाई पेंगलतू, एक गौड़ौता से डकोरा के लिए निकाला है, और एक जो गांव की फिरनी है। बहुत बारीक से जानते हैं आप होटल विधानसभा को, ये लगता है। हाँ, तो टक्कर उदय भान और जगदीश नायर में अगर होगी? जी जी जी। क्या लगता है मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? ये 66 साल की उम्र होगी है, तो राशन निर्भर जाया करता था गरीब आदमी के घर में, अब तो गवर्नमेंट में, हमारे घर में तेल नहीं है और गरीब के घर में तेल है, 2 लीटर तेल मिल रहा है, चीनी मिल रही है, बीजेपी अच्छा काम है, तो गरीब आदमियों का भी बढ़िया है, तो बीजेपी बिल्कुल जीतेगी इसमें। आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और? बीजेपी जी। बीजेपी बढ़िया काम किया, क्या काम किया अच्छा जो लगता है आपको? रोड बनवा दिए और काम बढ़िया कर रही है, काम बढ़िया कर रहा है। तो उदय भान को जानते हैं, कोई उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है, पर जो काम करता है उसकी तो आज चलती है ही। तो बीजेपी से उम्मीद है, आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस या कोई और? वो सिर्फ सुनने में विश्वास रखते हैं, बोलने में नहीं। आपको क्या लगता है काका, आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव सर पे हैं, किस पार्टी को मौका देंगे, लोग क्या सोच रहे हैं? भाई भाई, बेचारे गरीबन को कोई साथ करे तो गरीब भी उनके साथ देंगे, है जी। इसका बीजेपी ने साथ दिया क्या? हाँ, बीजेपी तो ऐसा ही दे रही है जी, गरीबन की सुनाई नहीं है जी, महंगाई ज्यादा कर रखी है जी, अब गरीब क्या करे बेचारो। तो किससे उम्मीद है आपको, है जी? आपको किससे उम्मीद है? उम्मीद क्या है जी, पहले कांग्रेस चलती आ रही है, तो अभी क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी या कोई और? देखो जी, कोई सी आ जाओ तो हमें तो कोई खाने को देना रहो जी, है जी। आपको आपको क्या लगता है? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? क्योंकि हम बेरोजगारी इतनी फैल रही है और गरीब आदमी दुखी है, न्याय रेहड़ी वाले खुद दुखी है, परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं जिनका समाधान होना चाहिए। बहरहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत सारे फल विक्रेता भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि चुनावी मिजाज होटल का क्या है। आप यहाँ रेहड़ी लगाते हैं? हाँ जी। होटल से ही है? इधर से ही है, होटल से ही। क्या लगता है इस बार चुनाव जो विधानसभा का है उसको लेकर कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको? ऐसा ही माहौल भर रहा है, बीजेपी मजबूत लग रही है, कोई यूँ कहता है कांग्रेस मजबूत लग रही है। नहीं, अभी अभी कौन लग रहा है, कांग्रेस की बीजेपी? अभी तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है, तो अच्छे काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में? अभी तक तो कुछ अच्छे ही हुए हैं। अच्छे हुए हैं।
कुछ महिलाएं भी हैं, आपको क्या लगता है चुनाव है कांग्रेस पार्टी बीजेपी या फिर कोई और, लोगों के दिल में क्या है? बीजेपी, बीजेपी पसंद है। कैसा काम करती है बीजेपी? बढ़िया काम है, बढ़िया कर रही है टाइम को। क्या काम किया जो आपको अच्छा लगता है? काम का आज नहीं, गरीब आदमी सहायता कर रही है। चलिए, तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपको क्या लगता है चुनाव सर पे है, किस पार्टी को लोग मौका देने वाले हैं? मैडम अभी तो कुछ नहीं पता किस पार्टी को मौका देंगे। देखो आज जो मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी सत्ता में आएगी। जगदीश नायर के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, होडल के लिए 5 सालों में क्या काम किया उसकी बात करें, तो आप संतुष्ट हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, काम तो देखो कांग्रेस सरकार के ही जितने भी फैसले थे, जो भी प्रोसीडिंग थी वो कांग्रेस सरकार की थी और बीजेपी ने तो उसको अमली जामा पहनाया बस। ज्यादा कुछ डिटेल में आप नहीं देख सकते बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन अभी मुकाबला बनेगा, मुकाबला बनेगा, बहुत रोचक मुकाबला रहेगा, रोचक रहेगा। तो इस बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला ही मुकाबला रहेगा। इस बार भी दोनों ही कंटेस्ट कैंडिडेट हैं और दोनों ही वजूद के कैंडिडेट हैं, वो भी जीतता है कभी कोई। प्रदेश के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयवान जी भी, वो भी वजूद में है, ऐसा नहीं है। और सत्ता परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। 10 साल आप कह रहे एंटी इनकम्बेंसी भी है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे। साफ ज्यादा माहौल दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। अभी अक्टूबर में चुनाव है तो उसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां जरूर हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो माहौल है वो लगातार बदल रहा है। आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का जोश लोगों में भी है। आप होडल से ही है? होडल से ही चुनाव है। क्या लगता है कौन मजबूत है, बीजेपी या कांग्रेस? मजबूत तो वैसे कांग्रेस ही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के वहाँ में ऐसा नहीं हुआ था, जो बेरोजगारी अब ज्यादा फैल गई है। अभी बेरोजगारी है सबसे बड़ी समस्या होडल की, क्या है? कुछ भी ना है, गरीब आदमी तो गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला पैसा वाला होता जा रहा है, गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी आपको लगता है आएगी तो? चलो करती तो कोई भी सरकार नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सहूलियत मिलती है छोटी बिरादरी को, वैसी को भी। आपको क्या लगता है काका? हमको ये लगता है कि मोदी जैसी सरकार तो आज तक आई नहीं, मोदी जैसा राजा आज जो है उसके बाद कभी नहीं आएगा। बाकी मोदी के नीचे जो हैं वो हमको नहीं भाते हैं। मोदी जी को तो आपने बिठा दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन होना चाहिए? उसके नीचे जो भी आता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे मोदी का हो, लेकिन वो यहाँ काम कोई नहीं करता है। यहाँ इतने विधायक हैं, आज तक कोई सुविधा नहीं हुई। अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे किसी लेडीज को बाथरूम करने की, शौच करने की कोई सुविधा नहीं है। दरबारे को ये खाते बाकी पेंशन लेवर नहीं, बेनदारी कर रहे हैं बहन जी। हम बेंदारी में कहा कमा लेंगे हम, है गरीब आदमी पर है कहा, आधे तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है खाता बोले है नहीं है, पेंसिल है नहीं है उसकी, हम ही कमा में चार दिन काम लगे, दो दिन ना लगे, गरीब आदमी क्या करे वो बताइए। अब क्या लगता है कांग्रेस दूर कर पाएगी परेशानी? अब करेगी तो इतने कर, मोदी ने तो कुछ करो नहीं है, नहीं करो ना बस नहीं है, ऐसी कैसी है, महंगाई और है सब चीज पे, गरीब आदमी क्या करे वो बताइए आप। महिलाएं भी बहुत परेशान है और मुखर होकर बोल रही है कैमरे पे कि कितनी ज्यादा वो परेशान है। करके आए हम तो मजदूरी करके आए, ईट ढो के आएंगे, बड़ा बूढ़ा कोई रोटी देना बेटा। क्या लगता है चुनाव में कौन मजबूत है? चुनाव में क्या सोचेंगे क्या करेंगे? अब पता नहीं, झूठ बोल जाते हैं चले जाते हैं, कुछ देते नहीं, ना घर है ना मकान ना खेती बाड़ी है हमारे कुछ नहीं। मैडम जो हमारी सुविधा करेगा उसको चुनाव देंगे, हम परेशान है हम पर, आप हमारे लिए करोगी? वादे तो सारे करते हैं ना, बीजेपी भी करती है कांग्रेस भी करती है दूसरे दल भी करते हैं, आप क्या करेंगे इस बार? तो आपके देंगे हम, जो वोट होगी जो आप मांगेंगे तो हम तो देंगे, वाई के लिए देंगे हम तो कौन सो अपने घर में तो रखेंगे ना वोट है, तुम्हारी देंगे आप हमारे लिए बिटियाओ करोगी हमारी। हम तो आपके लिए आवाज उठा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो उठा रहे हैं नेता नेता सुने जो चुनाव के लिए वोट मांगने आएंगे आपसे और आपकी बात का हल करें। आप देखिए महिलाएं कितनी परेशान है और वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान है, कोई सुनने वाला है नहीं है। और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि
अब वोट मांगने के लिए तो तमाम नेता पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव में जब वोट मिल जाती है, जब जीत दर्ज कर लेते हैं, तो उसके बाद कोई खास काम होता नहीं है। देखिए पुराने मेन बाजार में इस वक्त हम पहुंचे हैं। पीछे आप देखिए सड़क के बीचों बीच ये तमाम रेहड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और दो तरफ ये रास्ता जाता हुआ। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि चुनाव को लेकर क्या सुगबुगाहट है। विधानसभा का चुनाव है, अभी से कितनी तैयारियां और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? तैयारी देखो दोनों ही चलेंगे जी, मोदी सरकार और कांग्रेस, बट नेता देखेंगे पहले कौन सा अच्छा है। नेता तो दो ही आपके पास ही हैं, एक उदय भान एक जगदीश नायर। पहले नंबर पर उदय भान जी। पहले नंबर पर उदय भान क्यों? अच्छे हैं, काम करते हैं गरीबों का। जगदीश नायर नहीं करते? ना जी ना, कोई काम ना है, कोई काम नहीं, किसी काम के ना है। किसी काम के है ही ना, जाओगे आप ये पूछेंगे कहाँ से आए हो, पहले वहाँ जाओगे कोई जा सबकी वेलकम है। उदय भान जी के पास कभी जाओ, कोई गरीब आदमी पहुंच जाओ, सबकी आओ जी होगी। क्या लगता है इस बार हरियाणा की जो सरकार चंडीगढ़ बनाने बनाएगी, बीजेपी का, बीजेपी छोड़ के इसके हाथ में, कांग्रेस के हाथ में आएगी जी? अच्छा, पक्का विश्वास है आप? पूरा विश्वास है। होगा ऐसा क्यों, लेकिन क्या परेशानी है बीजेपी की सरकार में? ये जी हमारा एमएलए अच्छा नहीं है, सरकार इसीलिए बदल देंगे। एमएलए बढ़िया है तो एमएलए बदल दीजिए सरकार के। मैं तो कहूँ चेहरा आने दो, चेहरा आएगा जब पता लगेगी। क्या लगता है चुनाव में कौन मजबूत रहने वाला है? हरियाणा में इस वक्त बदलाव का चयन होने वाला है और बीजेपी सरकार से पूरी तरह से हरियाणा जो प्रदेश है मैडम जी, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। और हमें ये लगता है कि अब आने वाले समय में, समय आ चुका है बदलाव का। कांग्रेस पार्टी चाहता है, उदय भान जी जो है बहुत ईमानदार नेता है, उनके बारे में आप, उनके पास वो कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि अगर आप मेरे पे एक रुपए का इल्जाम लगा दो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। जगदीश नायर के बारे में आपके बात बता दूं मैडम जी, अभी 16 करोड़ रुपए का, मैं आपको बताऊं 16 करोड़ रुपए आए थे सती मंदिर के मैडम जी, उनमें से घोटाला करके। और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, इतना सुंदर बना दिया वो पूरा सती मंदिर और उसके बाद 1 करोड़ रुपए मैडम जी सिर्फ उसमें लगाया है। और आपको बता दूं मैं, 1 करोड़ रुपए लगाया, 14-15 करोड़ रुपए मैडम जी डकार गया जगदीश नायर जी एक मंदिर को। कोई प्रूफ है? इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं मैडम जी, प्रूफ क्या? आप देखो पोस्टर लगाए गए थे मंदिर में, जब आपको बता दूं उनके जगह जगह पोस्टर लगे थे, बेनकाब किया गया था उनको। मोदी जी कहते हैं कि भाई हमारे प्रदेश में ईमानदार नेता है, ईमानदार नेता मेरे को नहीं लगता कि जगदीश नायर जी ईमानदार, उनकी छवि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खराब। जगदीश नायर से ज्यादा खफा है, बिल्कुल खफा है जगदीश नायर से ज्यादा खफा है और कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और उदय भान को साफ तौर पर लोग इस बार देखना चाहते हैं विधानसभा पहुंचते हुए। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी के जरिए आपको सच्ची तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि क्या कुछ हाल है और विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है। और कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और क्या रुख है उनका चुनावों को लेकर। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आपको क्या लगता है इस बार लोगों के दिल में क्या है? दिल में इस बार यही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अब तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार बनेगी। नायब सैनी को जो सीएम की कुर्सी पे बिठाया गया है, आपको लगता है उससे बढ़िया फायदा बीजेपी को मिलेगा? हाँ बिल्कुल। उदय भान और जगदीश नायर का जो मुकाबला हमेशा रहता है, बहुत ही नजदीकी मुकाबला होता है, इस बार क्या लगता है आपको? मजबूत मुकाबला तो मजबूत ही रहता है, पहले से फिर मजबूत रहेगा वैसे मुकाबला, तो आगे टाइम बताएगा जैसे क्या होगा। आज के लिहाज में अगर बात की जाए, आज के समय के हिसाब से अगर बात की जाए, तो बीजेपी एज में है। मुकाबला वाकई दिलचस्प रहने वाला है, क्लोज रहने वाला, लेकिन एक एज कहीं ना कहीं हमेशा से बीजेपी को मिल जाएगी इस सीट पर, ये साफ तौर पे कहते हुए नजर आए। थोड़ा और आगे चलते और करते कुछ और लोगों से बात। तो होरू विधानसभा के लोग इस बार किसको चुनने वाले हैं और ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं? तमाम दावे, तमाम वादे विधायक ने किए थे, क्या उनको पूरा किया? ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको अपनी इस चुनाव हरियाणा की यात्रा के जरिए बारीक कवरेज देने जा रहे हैं, सटीक कवरेज देने जा रहे हैं। और अपने आप में ऐसा पहला शो जहां पर हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम हलकों में पहुंचेंगे और तमाम हलकों से चुनाव से ठीक पहले आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। होटल की और ओल्ड मार्केट में हम इस वक्त हैं, बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। चुनाव विधानसभा का सर पे है, इस बार क्या लगता है, जगदीश नायर या उदय भान? उदय भान। उदय भान, उदय भान क्यों? विधान जगदीश नायर ने हमारे हल्का में कोई काम नहीं किया है, नहीं काम किया है। लोग कह रहे थे कुछ के बहुत अच्छा काम किया, यहाँ हमारे होटल में कोई काम नहीं किया, किसी को पूछ लो। माता मंदिर वाले एरिया को पूरा जीर्णोद्धार करके इतना अच्छा चकाचक बना दिया है, उसमें भोले की मूर्ति लगनी थी, वो भोले की मूर्ति नहीं लगी हुई है।
इसीलिए परेशान है, इसलिए लोग जनता परेशान है। इस बार चाहते हैं कि विधायक बदलना चाहिए, विधायक बदलना चाहिए। जगदीश नायर को पब्लिक कम चाहती है, कम चाहती है। तो अगर बीजेपी किसी और को टिकट दे दे, बीजेपी नायर को टिकट देती है तो जनता नायर को वोट नहीं देगी। अगर बीजेपी किसी और को देती है तो उसको वोट देने चाहिए, उसको चाहिए। तो मतलब कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर सीधी सीधी फिर से है। प्रदेश में सरकार किसकी बननी चाहिए, आपको क्या लगता है? सरकार हरियाणा में हमारे हिसाब से तो कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए, क्यों? बीजेपी की सरकार में बढ़िया काम नहीं हो रहे? काम तो हो रहे, पर हमारे यहाँ के विधायक वो काम नहीं कर रहा। तो कह रहे देखिए, हम तो विधायक से नाराज हैं, बीजेपी किसी और को टिकट दे दे, हम समर्थन दे सकते हैं। क्या लगता है चुनावों में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में ही नजर आने वाला है? कौन इस बार बाजी मारेगा? बाजी आपके कांग्रेस ही मारेगी। कांग्रेस मारेगी, क्यों? ऐसे ही अब काम फाम ऐसे ही हो रहे हैं, अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। अच्छे काम नहीं हो रहे। जगदीश नायर के काम से खुश नहीं है आप? हाँ। उदय भान से क्या उम्मीद है? उदय भान से थोड़ा, जो कैंडिडेट खड़ा होगा जो कांग्रेस को उसके देंगे। पहले भी आपके विधायक रहे हैं उदय भान भी, यहाँ से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात कर ली जाए तो बहुत एक लंबे अरसे की राजनीति उनका परिवार करता आया है। तो क्या लगता है वो विकास करवा पाए हैं हल्के का, काम करवा पाए हैं? हाँ, थोड़ा तो पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है जगदीश नायर ने काम बढ़िया किया? कोई पता नहीं। नहीं पता? अभी सब बढ़िया है होटल में, कोई समस्या है क्या? पानी की समस्या है जी, पानी ना निकला होटल में से, बारिश आ जाती है जब। हाँ, विधायक तो कह रहे बहुत काम करा दिया मैंने, अब पानी आता भी है तो निकल जाता है बहुत जल्दी से। ऐसे तो अभी नहीं निकलता खास, वहाँ आगे थाने सुली तरफ बहुत परेशानी हो पानी की, तो परेशानी है बड़ी, बजट में भी परेशानी है पानी की। नायर के काम से खुश है? कोई ना खुश, कोई ना। तो क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या फैसला करने जा रहे हैं? चुनाव में ही हम तो आपके उदय भान जी को वोट देंगे। उनसे क्या उम्मीद है? उनसे भी कहेंगे कुछ ना कुछ। तो बीजेपी तो साफ तौर पे कहते हैं कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार अगर कोई पार्टी करती है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। देखो जी, ऊपर तक तो कौन कहेगा, नीचे के निशान की कह सकते हैं हम, ऊपर तक तो हमारी कोई पहुँच ही नहीं। जब नीचे के नहीं सुने तो ऊपर की जब सुनेगा कोई, तो आपको बदलाव चाहिए। ये देखो, आपको क्या लगता है जगदीश नायर या उदय भान? महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लोग सुख से रोटी खा सकें। और क्या लगता है जो महंगाई जगदीश नायर कम कर पाएंगे? हमें तो सरकार वो चाहिए जो महंगाई रुकी रहे। तो सरकार में देश में तो आपने मोदी जी की सरकार बनवा दी, बजट साल में एक बार आवे उस पे है कुछ जिसमें गरीब आदमी सुख से खा ले। क्या लगता है सर? उदय भान, क्यों उदय भान काम करता है? जगदीश नायर नहीं करते? वो भी करता होगा, उदय भान करता है काम तो, उदय भान ज्यादा करते हैं। तो क्या लगता है प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण है इस बार किस पार्टी के फेवर में है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस है, कांग्रेस के फेवर में साफ तौर पे। मनोहर लाल खट्टर ने जो ईमानदार नीतियाँ बनाई उनके हिसाब से, ऐसी पारदर्शी सरकार बनाई, और बीजेपी को आपको लगता है उससे फायदा होगा? यहाँ पे तो काम उदय भान करते हैं खाली, कोई बात नहीं, उदय भान का काम है सारा। बीजेपी राज में जो तो देखिए, ये कह रहे हैं साफ तौर पे बहुत ज्यादा परेशानियां यहाँ पे हैं और होटल में कोई और काम कर ही नहीं सकता है। उम्मीदें हैं हमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उदय भान से, और वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते नजर आए कि काम अच्छे हुए हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है वो कहीं ना कहीं आज से पहले हुए नहीं थे, और उससे बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी के कैंडिडेट को जो होटल विधानसभा क्षेत्र से, उनको फायदा होने जा रहा है। हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए हमने आपको होडल से ग्राउंड जीरो का हाल बताया, आपने देखा कि लोगों का फीडबैक क्या है अपने विधायक के लिए और उन तमाम नेताओं के लिए जो इस बार चुनावी मैदान में संभावित चेहरे हो सकते हैं। भले ही नेता अभी वोट मांगने के लिए सीधे तौर पर नहीं आ रहे हों, हर जगह पोस्टर चस्पा हों नेताओं के वोट मांगते हुए, अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए, लेकिन लोगों के दिलों में बहुत सारा फीडबैक है जो वो रखने वाले हैं उन तमाम नेताओं के सामने। जब वो वोट मांगने के लिए आएंगे तो हिसाब मांगा जाएगा, तो जवाब मांगा जाएगा और पूछा जाएगा कि नेताजी 5 साल में आपने क्या काम किया। हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा लगातार तमाम हलकों में पहुँचेगी और
तमाम हरियाणा में घूमकर, इस पूरे हरियाणा में घूमकर, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर ऐसी ही निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट होगी और उस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है। तो मेरे साथ इस सफर में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा इस बात का कि हम कब आपके विधानसभा क्षेत्र में पहुँचें और कब आप अपने तमाम मुद्दे हमारे साथ साझा करें। फिलहाल आज होडल के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।